अल्लाह की मुलाकात एक ऐसे शख्स से कर साथियों तो बहुत बोलता है, मुझसे ज्यादा बोलता है और सच में बहुत अच्छा बोलता है, अंग्रेजी में बोलता है, उर्दू में बोलता है, फारसी में बोलता है, पंजाबी में बोलता है। वेल जब आएंगे तो फिर हम उसे बुलवाएंगे। शुक्रिया। बहुत हैरान हूँ बर्बाद ये कच्चे मोहब्बत पर कि इमारत के उसका नक्शा नहीं मिलता। ये ठीक है तेरे डिम्पल पर कभी मस्ता सजाना, लेकिन ये तो टोए टिब्बे हैं, तेरा चेहरा नहीं मिलता। तो एक गोल्ड मेडल और पाकिस्तान लिटरेरी बोर्ड ने जीनियस ऑफ पाकिस्तान के टाइटल से नवाजा है। उर्दू पंजाबी इंग्लिश जबानों में नेशनल चैंपियन है। डिबेटिंग के लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज कुछ हाथ से कर हाफ इज मोहम्मद उस्मान। कौन बता निर्माण जीता मैडम संगीता हम बस देखते हैं बहुत कम बहुत कम। क्यों हमेशा डिबेटिंग में रहते हो? मैं कोशिश करता हूँ समझा। मैं तुम्हें जल्दी जल्दी ना 30-30 सेकंड के वो दूंगा टॉपिक्स, ठीक है? एक टॉपिक मैं दूंगा, एक टॉपिक मैडम संगीता देंगी, कोई भी आप जो जो आपके जहन में आए, ठीक है ना? और तुमने बोलना है अभी रेडी कर ले। पहला टॉपिक मैं तुम्हें दे रहा हूँ मुन्नी। अगर तुम चलिए मेरे रकीब आज सूरज को चराग दिखा रहे चले हैं, हवाओं के रस्ते में दिए जलाने चले हैं, कागज के नाव को सदा बहाने चले हैं, कागज के दस्तानों से कोयले उठाने चले हैं, समुंदर को दरिया में गिराने चले हैं, फूलों से उनकी खुशबू चुराने चले हैं और कहां मुन्ने को हाफिज उस्मान से मिलाने चले हैं। आज के हालात दौर वो आया है कि हर शख्स इसी सोच में है, आपके सचियों में मेरा नाम न आने पाए। हम जिस दौर में रह रहे हैं मुझे आज तक ये समय में चेक का चुनौत क्या सच बोलना इतना बड़ा जुर्म हो चुका है? क्या हमारी नौजवान नस्ल आज सच बोलने से कतराती क्यों है? क्या ये इतना ही मुश्किल काम हो चुका है? क्या हमारे किसी अंबिया ने, क्या हमारे सहाबा कराम ने, या क्या हमारे जितने भी जिनको आप हीरो मानते हैं, क्या उन्होंने कभी झूठ का रास्ता अपनाया? आज हमारी नौजवान नस्ल क्यों झूठ के रास्ते पर चलती जा रही है? क्यों आज हमारी नौजवान नस्ल सच समझती है? चौधरी शुजात, ज्यादा बोलना अच्छा बोलने की दलील होता है, लेकिन बहुत सारे मौके पर हमें ऐसा भी मालूम होता है कि जहां पर बहुत ज्यादा बोला जाता है लेकिन हमें मालूम कुछ नहीं होता कि बोला क्या गया है। हमारे ही मुल्क में एक ऐसे ही निजाम वजीर आजम भी रहे जिनका नाम है चौधरी शुजात। बहुत हैरान हूँ बर्बाद ये कसे मोहब्बत पर कि इमारत से उसका नक्शा नहीं मिलता। ये ठीक है तेरे डिम्पल पर कभी मत्ता सजाना, लेकिन ये तो टोए टिब्बे हैं, तेरा चेहरा नहीं मिलता। मेरे मौजूद दोस्त कैस के बहुत बड़े मुझे फैन लगते हैं और बहुत बड़े चाहने वाले लगते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक सिर्फ उनको मेकअप में देखा है। अगर ये मेकअप उतरवाएं किसी की शक्ल मेरी कोहरे जैसी तो किसी को मेरे गोडे जैसी। अगर ये बातें हैं महबूब की इस दुनिया से कहीं भी वो मोहब्बत के सिलेबस में नहीं मिलती। मैं कहता हूँ तेरी आंखें किलो पतरा से मिलती हैं, वो कहती है मेरी आंखें तो आपस में नहीं मिलती। Very nice, very impressive, माशाल्लाह। अब कैसे हुआ तकरीर मुकाबलों का? सर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मैंने अपनी जो पहली स्पीच थी वो फोर्थ ईयर के शुरू में की थी, मतलब अगर कह सकते हैं कि थर्ड ईयर का लास्ट मंथ है मेरा पंजाब के कॉलेजेस में, और उसमें मैंने अपनी पहली स्पीच की थी। आज इंसानी अजमत के मायार बदल चुके हैं, लेकिन उस वक्त की मतलब वो वाहिद स्पीच है अलहमदुल्ला जिस पर इनाम नहीं मिला। इनाम मैंने अलहमदिल्ला इसलिए कहा कि वो इनाम न मिलने की वजह से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था कि फजल से उसके बाद कभी मैं सेकंड नहीं आया। ये बच्चा सियासत में अगर हिस्सा लेना अपनी तकरीरों की वजह से टॉप होगा, बोले क्योंकि हमारे मुल्क में जो बोलना जानता है ना उसको हम लोग लीडर मान लेते हैं। छोड़ी लेकिन लीडर वो होता है जो आवाम की दुख तकलीफों में महसूस करे। तकरीरों से कुछ नहीं होता और हमारे इस दौर में सब तकरीरें करना जानते हैं, महसूस करना नहीं जानते। बच्चे का कोई माजी नहीं होता,
تم ہر بات کو اسی طرح سے بولتے تھے ریلیکس اب تو گفتگو ہوئی اب تو میرا انداز گفتگو بن چکا ہے وہ انداز گفتگو بن چکا ہے صحیح اصل ہوگا میں ہاؤ اولڈ آر یو 23 24 25 ہینڈسم گائے ہینڈسم دودھ یار تم بولا کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو یا بولا 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 اچھا یہ بتا تمہیں محبت وغیرہ کی الحمد للہ کب جب میں بالغ ہو چکا تھا تو میں آیا کہ گوشت کو نہیں پیار کر جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں طاہر بھائی یہاں پر محبت بہت جلدی ہو جایا کرتی ہے میں ایک جگہ پہ ایک میٹنگ میں گیا ہوا تو وہاں پر ایک بچے نے یہ کہا تجھے لوگ جنازے میں بھی نہیں بلوا کے ہوں گے بڑی تکلیف میں نے جو آپ کے یہ جو صاحب مرے ہیں ان کے بارے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں گی ان سے کل کروا دیجیے ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تو مصون ہونے کے بھی قابل نہیں ہے میرے لائق محترم دوست یہ فرماتے ہیں کہ ان کا جنازہ جائز ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا جنازہ جائز نہیں ہے اس وقت آپ کے سامنے آپ کے جو گیسٹ بیٹھے ہیں نا میں اپنے آپ کو گیسٹ کہہ رہا ہوں اللہ کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں جی ایک چھوٹی سی بات ہے میں چاہتا ہی نہیں تھا تجھ کو لاجواب کرنا بہت جواب اگر چاہیے تیرے سوال کے تھے آپ نے جو مجھے ایمانداری سے بتاؤ کبھی کسی سوئم میں گئے ہو ایمانداری سے بتاؤ یقین گیا ہوں وہاں لوگوں نے تم سے ان کا تو حال پوچھنا بڑا عجیب سا ہو جاتا ہوگا نا کہ کسی نے پوچھا کہ کیسے مرے میرے بھائی کیا بتاؤں کہ کیسے مرے وہاں سے نکلے تھے ڈاکٹر کے پاس پہنچے میرے پاس ایک دوست یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس ڈاکٹر نے اس کے ساتھ فون کیا ہے مجھے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ملک کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنے کام آپ سے میں کہوں گی آپ کو وہ کرنے پڑیں گے میں رنگ مرید نہیں بنا لوں گی شازیہ نام ہے ان کا شازیہ سو آج شازیہ جو ہیں وہ تمہاری منگیتر ہیں اور آج شازیہ نے تمہیں بہت ساری ای میلز کی تھی تم دبئی میں کنسلٹنسی کرتے ہو تم آئے نہیں ہو ویلنٹائنز گزر چکا ہے آج شازیہ بہت ناراض ہے تو آج شازیہ کو تم نے منانا ہے تم 1 مارچ کو آئے ہو 15 دن کے بعد آئے ہیں یہ ٹھیک ہے دور سے آواز آ رہی ہے حافظ کے چاپ کی دروازہ کھلا حافظ اندر آئے جی آپ ناراض بیٹھی ہیں کیا بات ہے تم لیٹ کیوں آیا سلام کا تو جواب دو یار دے دوں گی ابھی ٹائم نہیں ہے اس طرح استقبال کرتے ہیں بندے کا تو وہ کیسے بات کرتے ہیں او مائی خدا کا خوف کرو اتنے دنوں بعد میرا چہرہ تم نے دیکھا ہے اور آج تم میرے ساتھ بہیویئر دیکھو اپنا یہ تو اپنے ملک کے لیے جاؤ گا تھا میں باہر اپنے ملک کے لیے کام کرنے کے لیے جاتا ہے یہ تو قدر کرو باہر جاؤ تو پتہ لگتا ہے ہماری قدر کتنی ہے گھر میں آؤ تو گھر کی مرغی دال برابر آپ کو ملک کے کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جتنے کام آپ سے میں کہوں گی آپ کو وہ کرنے پڑیں گے میں رن مرید نہیں کرو میرا شو ہی نہیں ہے تم لوگوں کا شو ہے مجھے بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ اتنے دنوں کے بعد کہاں سے آئے بس تم تو جانتی ہو کہ اس ملک کی بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جس طرح کے ابھی صاحب ابھی مجھ سے بات تم دبئی میں ٹیکسی چلاتے ہو کون سا ملک
बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साहब भाई, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है टैक्सी पे लोगों को बेचारों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना। बेचारे पर सिर्फ खवातीन को टैक्सी में बिठाता हूं, आपको पता है जो उनको लंबे रास्ते से लेके जाता हूं, जो मेरे साथ हुआ है एक महीना पहले, लंबे रास्ते बाद बिताते अपना बिल इतना बन गया है। प्लीज प्लीज। अच्छा तो आप अब सारी दुनिया के काम करेंगे और आपको मेरी काम की कोई टेंशन नहीं? मैं कर सकता हूँ, लेकिन देखो हर चीज का एक वक्त होता है ना। अभी जब तक मुझे अब तक देखो बाहर भी काम करूंगा, दुनिया तुम्हें प्रेरित करेगी, तो खुश होगी मेरे हस्बैंड कहाँ पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, खुशी नहीं होगी? मुसलमान की जानने वाली की बीवी जानने वाली तो बीवी एक ही बात है। आपको सिर्फ मुल के काम के लिए पैदा किया गया, बीवी के काम के लिए पैदा किया नहीं गया? इसी बात पे तो खुश हो ना, कि बहुत कम लोग होते हैं जिनको मुल की खिदमत के लिए चुना जाता है। अच्छा मुल की खिदमत के लिए आपको चुन लिया गया? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है तो मुझे भी किसी काम की खिदमत पे लगा दे, मैं तुमसे मेरी खिदमत करूँ। हाँ जी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वहाँ थोड़ा सा ऐसा लगा कि तुम लोग घर के अंदर शामिल हो गए हो, बट लोग घर में हम घरों जैसे ही होते हैं। घर में तो हमारे भी फैमिली जब अल्हम्दुलिल्लाह। सो यू नो मैरिड ना? अभी कुछ शादी नहीं हुई। मैं मैरिड हूँ, मेरी बेटी मैरिड। आई एम हैविंग अ बेबी माशाल्लाह। यू आर हैविंग अ बेबी और योर वाइफ इज हैविंग अ बेबी? बोथ। दोनों के मुश्तरक काविश है। But you're a wonderful man, and the way you speak and the confidence that you have, I wish you all the best in life. Thank you so much. Mashallah, so mashallah, mashallah. I'm very proud of you. इतने सारे medals हैं, अगर हम इसको zoom कर सकें यहाँ पे table पे, इतने सारे medals हैं, and mashallah, wherever you have gone, Pakistan के लिए तुमने नाम कमाया, congratulations. अच्छा हम लोग ऐसी फिल्में क्यों नहीं बनाते जो subject based हो? अब क्यों नहीं बनाते? हाँ अब नहीं बन रही मेरे दौर में तो आप जब उनके बनाई सारी सब सारी इस तरह की थी और बहुत गंदगी से करीब थी वो फिल्म। हाँ, अब आर्टिफिशियल कुछ लगता है ना, बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल। अच्छा हम लोग जो गाने की चॉइस करते थे वो भी बड़े सॉफ्ट और थमा हुआ, एक जैसे तेरे भीगे बदन की खुशबू से खामोश है नजारे इकबाल, एक सॉफ्टनेस थी दिन के अंदर गड़े हुए आज तक। अब हम जब भी गाने सुनते पुराने वाले गाने सुनते इस दौर के नहीं कि मम्मी बदनाम हुई और ये वो, ये तो दो तीन दिन दो तीन महीने का बुखार उसके बाद। कर दो सवाल, थोड़े से शरारती से सवाल। हाँ हाँ ये बताइए पहली मोहब्बत कब की? सच्ची सच्ची बात, मोहब्बत एक दफा ही होती है। तो आपको एक ही दफा हुई? एक ही दफा हुई। बाकी कितने साल पुरानी बात? मेरा जो तजुर्बा है वो ये है कि जिससे मोहब्बत की जाए उससे शादी नहीं करनी चाहिए। मेरा भी कुछ ऐसे ख्याल है कि प्रियंका और मैं कभी शादी नहीं करेंगे। मोहब्बत एक तरफा नहीं दो तरफा होती है, और शादी ना करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, सारी जिंदगी उसकी कसक रहेगी और उसकी वो रिस्पेक्ट रहेगी। शादी के बाद जब मियां बीवी बन जाते हैं ना, उफ़ो, इसे सारी मोहब्बत अटक जाते हैं, बच्चों की बात कुछ उलट जाता है, बच्चों में लग जाती है, वो आदमी देखता है कि ये इससे मैं प्यार करता था, ये किस तरह गंदी सी बैठी है। ये हमेशा एक अरसे के बाद, काफी अरसे के बाद एक दूसरे को एक बुरे लगने लगते हैं। एक और पहले भी है ना साहब, खवातीन की आमतौर पर कोशिश होती है कि बंदे में अब ये तब्दील कर लो, ये चेंज करो, तो मेरे अच्छा नहीं है। जब वो सब कुछ चेंज कर लेता है ना, वो तो फिर पहले वर्ग नहीं रहे। तो वो खुद चेंज करते हैं और उसके बाद पहले वर्ग नहीं रहे। खुश हमेशा रहे जिंदगी। हमने जिस जिस को भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग आते जाते हुए मौसम थे, जमाना उठा। वो रह जाती है। एक काम करते फिर से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपको शुरू से मिलवा रहा हूँ, और एक नया जॉनरा है, हमने गाने को कव्वाली में चेंज किया। सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो जाए। हाँ हो जाए।